हेलो एवरी वन वेलकम टू स्टडी सेशन टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट एग्जाम ऑफ आई टी दैट इज़ जे ओ ए जो कि अभी होने वाला है सो so दो uh, इसके हम पुराने क्वेश्चन पेपर सभी सॉल्व करने वाले हैं तो हम आज टू थाउजेंड नाइनटीन के क्वेश्चन शुरुआत करते हैं इसमें क्या क्या होता है वन सेवेंटी क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन हाफ तो मार्क के होते हैं तो इसका बंदा एटी फाइव मार्क्स के क्वेश्चन हो गए ये सभी तो फिर इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और चलो हम डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चन और दो घंटे का ये पेपर होता है तो हम पहली बात करें तो प्राइमरी गोल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डाटा इनटू किस में टर्न कर देता है डाटा कंप्यूटर सिस्टम इसका हमारे पास होगा uh, सही आंसर इन्फॉर्मेशन क्योंकि इंफॉमेशन में हमारा कन्वर्ट कर देता है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट मल्टी प्रोग्रामिंग कौन सी जनरेशन में स्टार्ट होती है तो इसका आंसर भी हमारे पास इसके पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं इसका ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन की फोर्थ जनरेशन तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास है थर्ड जनरेशन थर्ड जनरेशन में इसमें क्या हो जाती है मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पहुँचते हैं दैट इज़ क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन थ्री क्या बोलता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ़ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स सबसे छोटा इसमें क्या है लैपटॉप नोटबुक डेस्कटॉप वर्क स्टेशन तो इसका सही आंसर है हमारे पास नोटबुक क्योंकि सबसे छोटी जो हमारे पास होती है वो कौन सी थी नोटबुक अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि जनरल विच बटन ऑफ अ माउस इज़ यूज फॉर ओके कौन सा बटन यूज होता है लेफ्ट होता है राइट right होता है मिडल होता है कि व्हील होता है जो बीच सेंटर में व्हील होता है वो जो घूमता है ऊपर नीचे उसको हम क्या बोलेंगे ओके okay बटन तो इसका बिल्कुल सही आंसर है लेफ्ट बटन क्योंकि लेफ्ट बटन क्या होता है हमारे पास ओके बटन ठीक है अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास विश डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम डाटा और प्रोग्राम में कौन सी डिवाइस अंडरस्टैंड करती है डिफरेंस की कौन सी हमारे पास डाटा है और कौन सा हमारे पास प्रोग्राम है तो फिफ्थ का आंसर है आपके पास पहले हम ऑप्शन की तरफ चल पड़ते हैं इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस मेमोरी की माइक्रो प्रोसेसर तो इसका सही आंसर है माइक्रो प्रोसेसर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दैट इज सिक्स क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम यूनिट सिस्टम यूनिट का पार्ट कौन सा है अब इसके हम पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं ऑप्शन क्या बोलते हैं इसकी फ्लॉपी डिस्क है मॉनिटर है सी रोम है कि सी है तो इसका एग्जैक्ट आंसर है सीपी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट दैट कनेक्ट्स वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज कौन सा है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो कनेक्ट करता है एक पार्ट कंप्यूटर के दूसरे पार्ट में कौन सा कनेक्ट करता है तो इसका हम पहले ऑप्शन देखते हैं लॉजिक गेट सीरियल पोर्ट मॉडर्म की बस तो इसका आंसर है हमारे पास बस ठीक है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अप्रोप्रिएट फॉर अ कमर्शियल पर्पज कमर्शियल पर्पज के लिए कौन सी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट है तो इसके हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं पहले पासकल कोबुल बेसिक एंड फॉर्चन इसका आंसर है हमारे पास फॉर्चन ठीक है अब नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमरी इज कॉल्ड सबसे छोटी यूनिट कौन सी है तो इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं बाइट बिट मेगा बाइट नन ऑफ दिस तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बिट अब हम टेंथ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स अ कंप्यूटर रिटर्न इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इन टू किस में चेंज करता है कंपाइलर ये बहुत इजी क्वेश्चन है मशीन लैंग्वेज में एल्गोरिथम में डी बग्ड प्रोग्राम में कि नन ऑफ दिस इसका आंसर है मशीन लैंग्वेज में चलो अब इलेवंथ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं इलेवेंथ क्वेश्चन क्या बोलता है इन

द मोस्ट इंपॉटेंट और पावरफुल कंप्यूटर इज फिजिकल नेटवर्क इज फिजिकल नेटवर्क क्या है इसका हमारे पास नेटवर्क uh, स्टेशन बोलेंगे नेटवर्क क्लाइंट बोलेंगे कि नेटवर्क सर्वर बोलेंगे नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा हमारे पास नेटवर्क सर्वर अगर हम फोर्टीन की बात करें एंड अल्टरनेट नेम फॉर अ कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज क्या होगा मैश स्टार ट्री की रिंग तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है मैश अब हम फिफ्थ फिफ्टीन क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं वो क्या बोलता है अ वर्ड इज अ वेब पेज दैट वेन क्लिकड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट वो कौन सा वर्ड का वो वेब पेज है जिसको हम क्लिक करते हैं तो अनदर डॉक्यूमेंट उससे ओपन हो जाती है तो कौन से एंकर यू आर एल हाइपर लिंक की रेफरेंस तो इसका आंसर होगा हमारे पास हाइपर लिंक अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है सिक्सटीन क्वेश्चन कि व्हेन यू कट अ और, और, और कॉपी इंफॉर्मेशन इट कैट्स प्लेस इन द किसमें आर्ट में क्लिप बोर्ड में इंटरनेट में कि मदरबोर्ड में तो इसका आंसर है हमारे पास क्लिप बोर्ड में ठीक है अब सेवेंटीन क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास विच टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कौन सी फाइल को क्रिएट करता है तो इसका आंसर इसके ऑप्शंस देख लेते हैं पहले डाटाबेस फाइल स्टोरेज फाइल वर्कशीट फाइल की डॉक्यूमेंट फाइल तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डॉक्यूमेंट फाइल अब नेक्स्ट बोलता है विच फॉलोइंग डिवाइस यूज सेट ऑफ बीड्स टू रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ़ डाटा कौन सा है जो डिवाइस जो सेट ऑफ बीड्स यूज करता है क्या एक डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास uh, पहले इसके ऑप्शन देख रहे हैं इनैक एडवेकस मार्क वन तो इसका आंसर हमारे पास एबेकस एबेकस सॉरी एक्सपर्ट सिस्टम इज द करेक्टिस्टिक्स ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो एक्सपर्ट सिस्टम कौन सी जनरेशन का है हमारे पास तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन की फिफ्थ जनरेशन तो इसकी करेक्ट आंसर है हमारे पास फिफ्थ जनरेशन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दॉ the flow and the timing of data to and from the microprocessor is regulated by कौन रेगुलेट करता है इसके डाटा को तो इसका हमारे पास है कंट्रोल पिन एड्रेस पिन डाटा पिंस की पावर पिंस इसका आंसर हमारे पास कंट्रोल पिंस अब हम 21 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास इसकी पहले ऑप्शंस देख लेते हैं मॉनिटर होगा स्कैनर होगा प्रिंटर होगा कि स्पीकर होगा तो इसका हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर दी बाकी तो आउटपुट दी हुई है हमारे पास ये इनपुट सिर्फ एक है कौन सी स्कैनर हमारे पास कौन सा स्कैनर अब विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन कौन करता है ये शो uh, तो इसके ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास लेज़र प्रिंटर इंक चेट प्रिंटर प्लॉटर की डॉट मिक्स मैट्रिक्स प्रिंटर तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास प्लॉटर। अब विच पोर्ट कैन ऑल्सो यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स टू ट्रांसमिट फाइल्स दो वो कौन सा पोर्ट है जो यूज़ होता है दो कंप्यूटर्स को करेक्ट करके फाइल को ट्रांसफर करने के लिए तो इसका आंसर है इसके ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास सीरियल पोर्ट पैल पोर्ट ए जी पी पोर्ट की फायर वायर पोर्ट इसका आंसर है ए जी पी पोर्ट चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दैट इज ट्वेंटी फोर विच इज द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड कौन सा होता है वो मेन स्टोरेज फोल्डर डिवाइस प्लेटफॉर्म इंटरफेस रूट डायरेक्टरी और डिवाइस डिवाइस ड्राइवर तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास रूट डायरेक्टरी अब ट्वेंटी फिफ्थ की तरफ चलते हैं ट्वेंटी फिफ्थ क्या बोलता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एसेस टाइम किसका है सबसे शॉर्टेस्ट एसेस टाइम रैम का है रोम का है कैच मेमोरी का है कि मैग्नेटिक कोर मेमोरी का है तो इसका सही आंसर है कैच मेमोरी का क्या है सबसे शॉर्टेस्ट एसेस टाइम है अगर हम नेक्स्ट की बात करें ट्वेंटी सिक्स की ट्वेंटी सिक्स क्या बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर बाइनरी नंबर कौन सा है इसमें से तो थर्टी सिक्स है टेन है फोर्टी फाइव है कि ट्वेंटी नाइन है तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास टेन अब फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर किसको स्टोर करने के लिए यूज़ होती है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ठीक है ये डाटा बेस में आती है ये ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं ए बॉलिन वैल्यू होल नंबर रियल इंटीजर कि ऑल ऑफ दिस तो इसका आंसर होता है रियल इंटीजर्स

चलो ठीक है अब हमारे पास ऑप्शन आ जाती है मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज की दोनों लैंग्वेजेस बहुत ए एंड बी नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए एंड बी अब थर्टी की तरफ चलते हैं थर्टी क्या बोलते हैं अ ट्रांसलेटर इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज कैसे डिस्क्राइब होता है बेस्ट ये एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अ हार्डवेयर कॉम्पोनेट सिस्टम सॉफ्टवेयर और नन ऑफ दीज तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बी अ सिस्टम सॉफ्टवेयर

अब थर्टी फोर की बात करते हैं थर्टी फोर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसमें जो ऑप्शन है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की नन ऑफ दीज तो इसका आंसर आता है हमारे पास सी कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दैट थर्टी फाइव विच टाइप ऑफ कमांड इज एम एस डॉस नीड्स एडिशनली फाइल्स फॉर देयर एक्सिक्यूशन कौन सी है वो इंटरनल कमांड एक्सटर्नल कमांड बैच कमांड की नॉन ऑफ दिस तो इसका आंसर आता है हमारे पास बी दैट इज एक्सटर्नल कमांड अब हम 36 की बात करें तो 36 क्या बोलता है इन एम एस वर्ड चेंजिंग द अपियरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड क्या बोलता है इसको प्रूफिंग एडिटिंग फॉर्मेटिंग की ऑल ऑफ दीज तो इसका एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास फॉर्मेटिंग अब नेक्स्ट की तरफ पहुंचते हैं विच कमांड इज यूज इन एम एस एक्सल टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टर्स इन अ सेल कौन सी होती है लेन लेंथ मिड की सिड तो इसका आंसर है हमारे पास ए दैट एज लेन एम एस एक्सल आर कंस्ट्रक्टेड विद किसे डाटा पॉइंट डाटा सीरीज डाटा एलिमेंट्स की बोथ ए एंड बी तो इसका हमारे पास आंसर आ जाता है डी दैट इज बोथ ए एंड बी डाटा पॉइंटर्स भी एंड डाटा सीरीज भी ठीक है

ऑल ऑफ दिस क्या होते हैं ये डाटा बेस यूजर्स सारे होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी होते हैं डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं और एंड यूजर भी होते हैं अगर हम फोर्टी की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डाटा मॉडल कौन सा इसमें से टाइप ऑफ डाटा मॉडल नहीं है हायरिकल मॉडल नेटवर्क मॉडल रिलेशनल मॉडल की एब्सट्रेक्ट मॉडल तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास एबस्ट्रैक्ट मॉडल हम 42 की बात करें माइक्रोसॉफ्ट एस एस इज एग्जाम्पल ऑफ किसका एग्जाम्पल है ये कंप्यूटर का है सीपीयू का है डिवाइस का है कि नन ऑफ दिस तो इसका आंसर आता है नन ऑफ दिस क्योंकि इन सब का एग्जाम्पल नहीं है इन एमएसएस द टेस्ट डाटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम करेक्टर ऑफ कितने इसके करेक्टर्स होते हैं तो टू फिफ्टी कैरेक्टर्स क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर टू फिफ्टी फाइव करेक्टर्स अब हम की बात करें 44 क्या बोलता है हमारे पास सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर्स इज कॉल्ड क्या बोलेंगे हम उसको बस नेटवर्क रिंग नेटवर्क स्टार नेटवर्क की ऑल ऑफ दिस तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास स्टार uh, नेटवर्क अब 45 की बात करें 45 क्या बोलता है मशीन दैट कनेक्ट्स टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम एंड ट्रांसफर मैसेज बिटवीन दैम उसको क्या बोलेंगे हम uh, इसका ऑप्शन देख लेते हैं ब्रिजेस बोलेंगे यूजर एजेंट बोलेंगे कि मेन गेट बोलेंगे कि नन ऑफ दिस बोलेंगे uh, क्योंकि इसमें से कोई भी नहीं है या फिर ठीक है तो फिर हम देखते हैं फोर्टी का आंसर हमारे पास क्या है मेन मेल गेट पार्ट ऑफ डाटा की एप्लीकेशन की नेटवर्क ऑफ दिस कौन करता है ये इसका हमारे पास है है ठीक अ कलेक्शन ऑफ किसकी कलेक्शन है ये बहुत है हमारे पास प्रोग्राम की है ग्राफिक्स की है एल्गोरिथम्स की है कि नन ऑफ दिस इसमें से किसी की भी नहीं है अब फोर्टी एट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ इज द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ई एड्रेस कौन सा नहीं है यूजर नेम डोमेन नेम प्रोटोकॉल की ऑल ऑफ दीज तो इसका आंसर है प्रोटोकॉल विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट वेब पेजे वेब पेजेस को राइट करने के लिए कौन सा यूज होता है यूआरएल एचटीएमएल एचटीटीपी एम एल टी टी पी की एफ टी पी तो इसका आंसर है हमारे पास एच टी एम एल अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं फिफ्टी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नोन एज क्या होता है वो सिक्योरिटी पैचेस रिफ्रेश पैचेस सिक्योरिटी रिपेयर्स नन ऑफ दिस इसमें से क्या होता है ये uh, अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं सिक्योरिटी पैचेस अब फिफ्टी की बात करें तो फिफ्टी वन अ वायरस दैट कैन डिलीट एंटी वायरस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड है उसको क्या बोलते हैं हम कॉन्सोटियम वैक्सीन रेट्रोवायरस नन ऑफ दीज तो इसका आंसर है रेट्रोवायरस अब फिफ्टी uh, टू की बात करें ई कैप्सुलेशन इज ऑल्सो नोन एज ई कैप्सुलेशन क्या होता है इसके ऑप्शन देख लेते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग डाटा मैनेजमेंट डाटा एब्स्ट्रैक्शन नन ऑफ दीज तो इसका सही आंसर है हमारे पास इंफॉर्मेशन हाइडिंग इन्फॉर्मेशन छुपाने के लिए सो so, ये हो गए हमारे कंप्यूटर क्वेश्चन अब आएंगे जीके पार्ट सो प्लीज स्टे ट्यूड फॉर द नेक्स्ट पार्ट प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल